हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शोडाउन। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा लेके आया हूँ। और सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगी और सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड है। और अगर आप लोगों ने इन सभी ड्रामास को नहीं देखा है तो जाकर देखना, गारंटी देता हूँ पक्का पसंद आएगी आप लोगों को सभी ड्रामा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द सेंटीमीटर ऑफ लव। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक स्वीट मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसके प्लॉट में ऑन पेपर कुछ तो स्पेशल और इंटरेस्टिंग नहीं है, पर बिलीव मी, रोमांटिक चाइनीज ड्रामा के अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो ऑडियंस को ड्रामा से प्यार करने पे मजबूर कर देता है, स्पेशली मॉडर्न लव स्टोरी पर बेस्ड चाइनीज ड्रामाज। और ये ड्रामा भी वैसे ही एक ड्रामा है जो आपको इमोशनली खुद से कनेक्ट करके रखेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सर्जन किंग फैंग और एक पायलट युकिंग की, जिनकी मुलाकात एक पेशेंट को मदद करने के दौरान होती है, जिसके बाद कुछ सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और इंसिडेंट की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इनके इस क्यूट और ब्यूटीफुल लव स्टोरी के बीच दो सबसे बड़े बैरियर हैं, इनके पेरेंट्स और प्रोफेशन, जहां इनके पेरेंट्स इनके लाइफ पर पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं और इनकी शादी खुद के पसंद के इंसान से कराना चाहते हैं, और वहीं इनका प्रोफेशन इन दोनों को हमेशा बिजी रखता है और इन्हें एक दूसरे से मोस्ट ऑफ द टाइम दूर रखता है। तो अब क्या ये दो स्वीट कपल इन बैरियर्स को तोड़कर अपने प्यार को पूरा कर पाते नहीं, और उसी दौरान इनके लव स्टोरी में कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लव स्क्रिप्ट। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जुएन वैंग की, जो कैसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी वाला लड़का है जिसका सपना हर लड़की देखती है। रिच, हैंडसम, इंटेलिजेंट और इन क्वालिटीज के अलावा जुएन वैंग एक एक्सीडेंट की वजह से न्यूरोसिस से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुद की एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहा है, जिस वर्ल्ड में वो मिंग डायनेस्टी का एम्परर जियांग मैन है, जो हमेशा अपने फिक्शनल एम्पायर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है और अपने सराउंडिंग के लोगों को भी अपने फिक्शनल वर्ल्ड का कैरेक्टर समझता है। और इसलिए जब एक सेक्रेटरी लू केई उसकी ट्रीटमेंट करने आती है तो जुएंग वैन उससे भी अपने वर्ल्ड का एक कैरेक्टर बना लेता है, जिसके बाद उसके फिक्शनल वर्ल्ड में शुरू होती है एक ऐसी हार्ड वार्मिंग और क्यूट लव स्टोरी की जो बहुत से कॉमेडी और इमोशन से भरी हुई है। तो अब क्या लू केई अपने प्यार के नरिशमेंट से जुएंग वैन को ठीक कर पाती है नहीं, और इनकी ये इमेजिनरी प्यार रियल प्यार में बदल पाएगा नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है हेयर टू हार्ट। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही इमोशनल बिजनेस रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में पहले प्यार के अधूरे रह जाने के डेस्परेशन और दर्द को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नान जियन और वेन नुआन की, जिन्हें एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, पर इस गहरे प्यार की वजह से जब कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे को लेकर नफरत भी बहुत गहरी हो जाती है, और इस नफरत के चलते ये दोनों एक दूसरे से 10 साल के लिए सेपरेट हो गए थे, पर इन दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी बाकी है। तो अब 10 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को एक दूसरे के कलीग के रूप में मिलाती है तो क्या इनके दिल में बचा हुआ प्यार इनके नफरत को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस स्वीट इमोशनल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द सीक्रेट ऑफ लव। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें शाहरुख खान का ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि अगर आप किसी को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको स्टोरी दिखाई गई है एक एलिट बिजनेसमैन ये शैंग की, जो 10 सालों से डेस्परेटली अपने खोए पहले प्यार मुशाओ को ढूंढ रहा है, जो 10 साल पहले उससे जुदा हो गई थी, पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की सुई से होती है जिसकी शक्ल एग्जैक्टली मुशाओ से मिलती है, और इसलिए जिए शैंग को लगने लगता है कि फाइनली से अपना खोया हुआ प्यार मिल गया है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक फायर एक्सीडेंट की वजह से सुई एनमीसिया से सफर कर रही है, जिसके वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है और उसे जीएस एंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बस उसे इतना ही याद है कि एक वेल प्लान्ड एक्सीडेंट की वजह से उसके पापा की जान गई थी, और इसलिए वो एक क्वेस्ट पे निकल पड़ती है अपनी ट्रू आइडेंटिटी और अपने पापा के डेथ के पीछे का सीक्रेट जानने के लिए, और इस क्वेस्ट पे जीएस एंग उसकी मदद करता है। तो अब क्या सुई अपने रियल आइडेंटिटी का पता लगा पाती है नहीं, और क्या सुई ही जीएस एंग का पहला प्यार है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। मुझे लगा उसने गलती से मुझे गले लगा लिया, मगर नहीं, वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके मंजिल तक पहुंचा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरे दिल की धड़कनें उसके दिल से जुड़ी हुई हैं।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है माय लिटिल हैप्पीनेस। ये एक बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल ड्रामा है जिसमें फ्रेंड्स टू लवर वाली एक बहुत ही क्यूट और नॉटी लव स्टोरी है कोंगरोंग और चाओकिंग के बीच। कोंगरोंग जो एक लॉ इंटर्न है और उसे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपने फैमिली से छुपकर एक रेंट पर लिए रूम पर रहना पड़ता है। पर जब कोंगरोंग को अपना पहला केस मिलता है तो डिस्कवर करती है कि उसका पहला क्लाइंट लैंडलॉर्ड और नेबर तीनों एक ही इंसान है और वो है सर्जन चाओकिंग जो कोंगरोंग का चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है जिससे कोंगरोंग बहुत सालों बाद मिल रही होती है। जिसके बाद नेबर और क्लाइंट होने की वजह से इन दोनों को मोस्टली टाइम एक साथ बिताना पड़ता है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच स्लोली क्लोजनेस बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये क्लोजनेस एक ऐसी लव स्टोरी का रूप ले लेती है जिस लव स्टोरी में स्लो बर्निंग रोमांस है, क्यूट कपल केमिस्ट्री है, फनी और रोमांटिक मोमेंट है जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एक स्पेशल रोमांटिक वाइब फील कराएगी जिसे फील करके आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो फिर अगर आप कॉमेडी रोमांस से भरी इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट ओटीटी पर देख सकते हो। कोशिश है, ये हमारी शादी का मौका है। चलो 3 महीने के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद तलाक दे दूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी जरूर हुई है लेकिन अपने दिल में मेरे लिए जज्बात मत जगाना। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है वंस वी गेट मैरिड। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये कैसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे आपको प्यार हो जाएगा क्योंकि इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में दो स्ट्रेंजर एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिलते हैं। सिचुएशन की वजह से उन्हें फेक मैरिज करनी पड़ती है और फिर उस फेक मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिली इंसिडेंट हो जाता है कि ये दो हेटर्स लवर बन जाते हैं और ये सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली रोमांस और कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है कि यू विल जस्ट लव इट। इस ड्रामा की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग फैशन डिजाइनर गुचिशी और एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट यू सिचिन के बारे में है जिन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे के साथ 3 महीने का फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ गुचिशी एक क्यूट और कनिंग लड़की है वहीं यूसिचिन एक रूड और एरोगेंट लड़का है जिसके लिए बिजनेस ही पहली प्रायोरिटी है। तब ये दो अपोजिट पर्सनालिटीज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कितनी क्यूटली इन दोनों के बीच रोमांस डेवलप्ड होता है ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो या फिर इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है देजा वो। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक केयरलेस हस्बैंड डाली की जिसके केयरलेसनेस और इरिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से उसकी वाइफ यूमची उससे बहुत परेशान है। पर डाली को उनके बीच के रिश्ते का वैल्यू तब समझ आता है जब वो एक दिन मिस्टीरियसली एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है जहां उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड होती है जिस ब्रदर इन लॉ को वो जानता भी नहीं है और उसकी वाइफ को उन दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अब डाली को अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए इस डायमेंशन की युमची का दिल जीतना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इस डायमेंशन में उसका ब्रदर इन लॉ युमची से शादी करने वाला है। तो अब डाली इस डायमेंशन में कैसे खुद को सेटल करता है और क्या वो इस डायमेंशन की युमची को अपना बनाकर अपने डायमेंशन में वापस जा पाता या नहीं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। From now on, we can rely on each other. हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है नथिंग बट 30। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 वुमेन्स की जो अपने 30s की हार्डशिप को फेस कर रही हैं। पहली है गुजिए जो एक ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग हाउस वाइफ है जो अपने फैमिली को तो अच्छे से मैनेज करती है पर उसके साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी साइलेंटली मैनेज करती है। पर उसका ये प्रोफेशन उसके हस्बैंड को बहुत इनसिक्योर फील कराता है जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऑकवर्ड हो गया है और अब उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। और दूसरी है सीएजिंग जो एक पार्ट टाइम नोवलिस्ट है और उसका हस्बैंड एक वर्कहोलिक है जो अपने काम को अपने वाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देता है जिसके वजह से इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। और तीसरी है मैनी जो मैरिज में बिलीव नहीं रखती है और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। तो फिर कैसे तीनों वुमेन्स अपने प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है इंटेंस लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा उन कुछ स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में से एक है इसे आप जितना भी देख लो मन नहीं भरता क्योंकि इस ड्रामा में कपल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्यूट है और रोमांस और कॉमेडी इतना इंटेंस कि आपको रोमांटिक फील दे जाएगा और स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें एक डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर श्यून और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस जिनबेई के बीच। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहां जिनबेई एक अटेंशन सीकर है और उसे फेम के लिए कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है और अपने इसी नेचर की वजह से वो हमेशा
सिंगल रही है और वहीं स्यून एक कूल और हैंडसम डॉक्टर है जो सिर्फ अपने काम को ही प्रायोरिटी देता है। और इसके इसी नेचर की वजह से जब एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से जिनबेई हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे स्यून पर फर्स्ट साइड क्रश हो जाता है और स्यून जिनबेई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से जिनबेई का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करती है कि वो स्यून को इंप्रेस करके रहेगी। पर इन सब के अलावा ये दोनों इस बात से अनजान है कि एक्चुअल में ये दोनों एक एंगेज्ड कपल हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बिना इनसे पूछे इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी है। तो अब आगे इस स्वीट लव स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस रोमांटिक ड्रामा को। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है Love020। ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। वो कहते हैं ना, प्यार कहीं भी और किसी से भी हो जाता है, बस एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील होना चाहिए। और ये ड्रामा इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है, जिसमें एक बहुत ही क्यूट डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है वेवेई और सावने की, जो ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम द चाइनीज गोज स्टोरी में एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं। और इस गेम में रोल प्ले करते करते वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के बीच केमिस्ट्री फील करने लगते हैं। पर वेवेई इस बात से अनजान है कि जो प्लेयर गेम में उसके हस्बैंड का रोल प्ले करता है वो रियल लाइफ में वेवेई के कॉलेज का सीनियर और एक एकेडमिशियन है। तो अब इन दोनों की मुलाकात रियल लाइफ में कैसे होती है और फिर इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पर दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।